स्वागत है फ्रेंड्स आज के हमारे नया वीडियो में। फ्रेंड्स आप लोग देखते हैं मेरे हाथ में एक माइक्रोटेक का 12 वोल्ट का डीसी कन्वर्टर है। इसमें हम डीसी करंट देंगे तो एसी में हमें बदल कर देगा और यहां से हम दो 5-पिन सॉकेट लगा हुआ है, यहां से हम आउटपुट निकाल करके यहां से किसी भी एलईडी बल्ब को एसी एलईडी बल्ब को हम जला सकते हैं। ये डीसी कन्वर्टर देख सकते हैं आप, छोटा सा इसको मिनी इन्वर्टर भी कह सकते हैं। इसको हमने ऑनलाइन परचेस किया हूँ, 500 रुपया करे हमें पड़ा है। तो आज हम इसका टेस्टिंग करके बताने वाले कि इस पर हम कितना लोड देंगे और इस पर हम कितना एलईडी बल्ब को हम इस डीसी कन्वर्टर से हम जला सकते हैं। और ये आप लोगों को बता दूं कि ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे 200 वाट का ये डीसी कन्वर्टर है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 12 वोल्ट डीसी कन्वर्टर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, देख ही सकते हैं यहाँ पे एक यहाँ पे दो तीन यहाँ पे करीब एलईडी लाइट जो लगा हुआ है इस पर देख सकते हैं। यहाँ पे देखा हुआ है 5.2 वोल्ट यहाँ पर भी आउटपुट यहाँ पर निकल सकता है। यहाँ पे मोबाइल चार्ज करने के लिए भी दिया हुआ है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ ऑन ऑफ का एक स्विच है, यहाँ पे पावर बटन दिया हुआ है और इस साइड से देख सकते हैं पीछे से यहाँ पर एक माइनस का एक प्लस का है वायर निकाला हुआ है जो 12 वोल्ट का बैटरी में जोड़ने वाला ये है निकाला हुआ है। और यहाँ से आउटपुट हमें निकलेगा, यहाँ से दो सॉकेट है 5-पिन का, इसमें से 220 वोल्ट हमें यहाँ पर करंट मिलेगा। तो चलिए इसको हम टेस्टिंग करते हैं 12 वोल्ट की बैटरी पर जोड़ के इसमें से हम कितना सारा हम एलईडी बल्ब को हम जला सकते हैं और इसमें क्या क्या हम चला सकते हैं। तो आप लोग वीडियो में बन रहे हैं बिल्कुल। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसको हम एलईडी बल्ब को ले लिए, एक होल्डर में लगाया हुआ वायर इसको हम साइड में रखते हैं। पहले आप लोग मैं बैटरी दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप लोग इधर साइड में देख सकते हैं यहाँ पर एक 12 वोल्ट का बैटरी है जो देख सकते हैं इस साइड में आप लोग, ये 26 एम्पीयर का 12 वोल्ट का बैटरी है। आप लोग देख सकते हैं ये बैटरी मेरा चार्ज है। तो चलिए इसी से मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ फ्रेंड्स इसको लाइट को इसको चलाकर डीसी कन्वर्टर को। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, इसको हम करेंगे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं बैटरी में हमने दो वायर को जोड़े हुए हैं, एक माइनस का और एक प्लस का। तो प्लस वाला व्हाइट है, व्हाइट वाला वायर है जो इसमें से प्लस का है। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर अभी आप लोगों के सामने जोड़ के दिखाते हैं। तो इसको हम प्लस में यहाँ पर जोड़ते हैं, यहाँ पर इसको हम जोड़ देते हैं, यहाँ स्विच इसका ऑफ कर लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ पर डीसी कन्वर्टर को बैटरी से जोड़ दिए, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं दोनों वायर को हम यहाँ पर जोड़ दिए हैं बैटरी में, देख सकते हैं प्लस वाले को प्लस में या माइनस वाले को माइनस में। बैटरी को हम करते हैं थोड़ा सा साइड यहाँ पे क्योंकि इसमें हम ऑलरेडी कनेक्शन कर चुके हैं और यहाँ पर इसको हम टर्च आपस में नहीं होने देंगे, इसको हम थोड़ा साइड में रखते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसको हम साइड में रखते हैं, बैटरी को साइड करते हैं वहाँ पर। और उसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जब इसका जो स्विच को हम ऑन करेंगे, इसको हम हाथ में उठाए हुए हैं, इसका हम स्विच ऑन करके दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड जब इसका स्विच ऑन करते हैं तो देखिए यहाँ पे एक ऑन लिखा हुआ है, यहाँ पे एक लाइट चल गया है और देखिए ऑफ करते हैं तो यह बंद हो गया। और उसके बाद चलिए इसको हम यहाँ पे लाइट को जला कर दिखा रहे हैं, एलईडी लाइट को। तो सबसे पहले हम इस एलईडी लाइट को लेंगे यहाँ पे, अभी आप लोग देख सकते हैं। चलिए इसमें हम लगाते हैं वायर को, यहाँ पे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे से इसमें हम वायर को लगा दिए हैं। उसके बाद हम यहाँ से इसको ऑन करेंगे, आप लोग देखिएगा अच्छे से, इसको हम यहाँ पर रखते हैं आपको सामने यहाँ पे। उसके बाद यहाँ से ऑन करते हैं, आप लोग देखिएगा ध्यान से। ये देखिए फ्रेंड जैसे ही मैंने इसको ऑन किया तो यहाँ पर एलईडी लाइट जो है जलना शुरू कर दिया, यानी लग रहा है जैसे कि इसमें करंट आ गया है, जैसे कि लाइट पर ही जल रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एसी करंट निकलता है इसके कारण से लाइट जल रहा है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे इसको ऑन करेंगे मेरा लाइट यहाँ पर जल रहा है अच्छे से, बहुत ही रोशनी भी दे रहा है फ्रेंड्स। आप लोग देख सकते हैं इधर साइड देख सकते हैं आप लोग, इसको हमने यहाँ पे लगाए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ से ऑन करेंगे मेरे हाथ में, देख सकते हैं लाइट ये चलना शुरू हो गया। चलिए इसमें हम एक और एलईडी लाइट को हम जोड़ते हैं, उसके बाद देखते हैं कि ये दो एलईडी लाइट को एक साथ जलाता है कि नहीं। तो उसको जोड़ने के लिए हम देख सकते हैं यहाँ पे एक बोर्ड रखे हुए, एक्स्ट्रा बोर्ड, इस बोर्ड को ही इसमें जोड़ेंगे और इस बोर्ड में हम एक होल्डर लगा हुआ है, इसमें हम एक एलईडी लाइट दूसरा जोड़ेंगे। तो चलिए इसको यहाँ से निकालते हैं और उसके बाद हम बोर्ड में पहले करंट देते हैं, आप लोग देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर इसको लगाते हैं, इसको हमने वहाँ पर लगा दिए हैं, देख सकते हैं आप लोग। और इस बोर्ड में हम लाइन देते हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए इसको हम ऑन करते हैं, यहाँ से ऑन करेंगे, देख सकते हैं आप लोग। ये देखिए फ्रेंड जैसे ही मैंने इसको ऑन किया बोर्ड में मेरा लाइन चलाया, बोर्ड में भी लाइन आ गया है। और उसके बाद हम एक बल्ब इसमें लगाएंगे जो बोर्ड में लगा हुआ है होल्डर उसमें, और दूसरे को यहाँ पर लगाएंगे, तो फिर हो गया दो। उसके बाद हम दोनों के एक साथ जला के देखते हैं कि मेरा जो बल्ब है वो जलता है कि नहीं एक साथ। चलिए एक और एलईडी बल्ब को पहले ले आते हैं, लाकर इसमें लगाते हैं। तो हमने यहाँ पर दूसरा एलईडी बल्ब को लिया है, तो ये दूसरा एलईडी बल्ब को हम इसमें लगा रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद इसका स्विच जो ये वाला है इसको हम ऑन करते हैं, आप लोगों के सामने देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए फ्रेंड्स ये भी जल रहा है। चलिए दोनों को एक साथ जलाने के लिए हम इसमें 5-पिन लगाए हुए हैं इस बोर्ड में, तो इसमें हम इसको लगाते हैं इस 5-पिन में दोनों वायर को। और फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, इसमें 220 वोल्ट का करेंट है फ्रेंड्स। तो ये देखिए इसको हमने यहाँ पर लगा दिया और इसको हम यहाँ पे रख देते हैं फिलहाल,
इस बोर्ड पे यहाँ पर इसको हम रखते हैं, आप लोग यहाँ पर देखिएगा, और इसका हम स्विच ऑन करेंगे। इसको थोड़ा सा आगे करते हैं, बैटरी को थोड़ा साइड में करते हैं, आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं अब अच्छे से। चलिए इसको आप ऑन करते हैं, ये देखिए फ्रेंड, जब इसको ऑन किया हमने ये वाला लाइट मेरा जलना शुरू हो गया। अब चलिए दूसरा लाइट को हम चालू करते हैं यहाँ से। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दो दो लाइट जल रहा है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यह दो LED लाइट का लोड तो ले रहा है। तो चलिए अब हम करते हैं क्या, तीसरा LED लाइट को भी लगा कर देखते हैं, तीन LED लाइट को जला पाता है कि नहीं। चलिए एक और हम LED लाइट को हम लगाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर हमने तीसरा बल्ब भी लिया है, एक होल्डर भी लिया है, और इसमें हम लगाते हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पर इसको हम इसमें लगाएंगे, चलिए दूसरे में हम इस 5 पिन में लगा लेते हैं इसको, देख सकते हैं इसको भी हमने यहाँ पर लगा दिए हैं। अब चलिए फ्रेंड्स बारी है इसको ऑन करने की, चलिए इसको ऑन करके अब चेक करके देखते हैं कि तीन बल्ब को एक साथ जला पाता है या नहीं। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, चलिए इस इन्वर्टर को हम ऑन करते हैं। ये देखिए ऑन हो चुका है, पहले हम इसका बल्ब जलाएंगे ये वाला, फिर इस दोनों को एक साथ जलाएंगे। ओ गॉड, आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर तीन तीन LED बल्ब जल रहा है, ये देख सकते हैं आप लोग। चलिए इस रूम का मैं अपना स्टूडियो का थोड़ा सा लाइट को हम बंद करते हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सारा लाइट को बंद कर दिए हैं। और देख सकते हैं इस साइड में आप लोग देखिए, जैसे इसको हम बंद कर रहे हैं पूरा अंधेरा हो गया, ये देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए कितना मस्त ग्लो कर रहा है, तीन तीन बल्ब यहाँ पर जल रहा है LED बल्ब, आप लोग अच्छे से यहाँ पर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग समझ सकते हैं कितना पावरफुल ये DC कन्वर्टर है। 100 वाट का बल्ब होता है, उस बल्ब को हम जला कर दिखाते हैं कि वह बल्ब इस पर जल पाता है कि नहीं, लोड लेता है कि नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर तो ये करीब 8 या 9 वाट का बल्ब होता है LED। चलिए यहाँ पर उस 100 वाट वाला बल्ब को अभी आप लोग के जला कर दिखाते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमने 100 वाट का भी बल्ब लिया, इस बल्ब को जला के देखेंगे कि ये जलता है कि नहीं। तो चलिए इन्वर्टर को हम ऑन करते हैं, और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर तीन तीन बल्ब जल रहा है। सबसे पहले करेंगे कि यहाँ पर एक ही बल्ब सिर्फ और सिर्फ 100 वाट वाले को चलाकर देखेंगे कि ये 100 वाट का है फ्रेंड्स, ये जलता है कि नहीं, क्योंकि ये इन्वर्टर जो है फ्रेंड्स यानी कि DC कन्वर्टर 200 वाट का है। तो चलिए यहाँ पर इसको इस वाले बल्ब को यहाँ से निकालते हैं और इसको हम लगाते हैं यहाँ पे। और एक बात और फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग इसमें एक इंडिकेटर भी जल रहा है इसमें। चलिए इसको हम ऑन करके देखते हैं कि ये वाला 100 वाट वाला जो बल्ब जलता है कि नहीं मेरा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 100 वाट का ये बल्ब को नहीं जला पा रहा है, ये जल ही नहीं रहा है। आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर 100 वाट का एक भी बल्ब इस पर नहीं जल रहा है, आप लोग देखते हैं यहाँ पर देख सकते हैं जब इसको जला रहे हैं तो ये जल जा रहा है, लेकिन 100 वाट का एक भी बल्ब यहाँ पर नहीं जल रहा है। ये देखिए फ्रेंड, फिर भी फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत सारा इससे काम कर सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर LED बहुत सारा इससे जला सकते हैं, करीब 4-5 LED इससे जला सकते हैं। देखते हैं जब 3 LED मेरे पास था, तीनों LED को हमने जोड़ दिया तो तीनों एक साथ यहाँ पर जल जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं अच्छे से। और इसका इंडिकेटर भी अभी चल रहा है, आप लोग देख सकते हैं इसके इंडिकेटर भी लोड ले रहा है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे से। तो फ्रेंड्स ये आप लोगों को कैसा लगा माइक्रोटेक का 12 वोल्ट का DC कन्वर्टर, देख सकते हैं आप लोग लेना चाहे तो ले सकते हैं फ्लिपकार्ट पर से, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग वहाँ से इसको परचेस कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं किसी नया एक्सपेरिमेंट नया वीडियो के साथ, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और कमेंट करके जरूर बताइएगा।